वहाँ से गए, हम सोचे कि रास्ता है कोई आते जाता रहता है, हम सोचे कि कोई पड़ाका छोड़ा होगा। फिर हमको विश्वास नहीं है तो हम उठ के देखे बाहर, गए लाइट उठ जला के देखे, देखे कि बाहर में तो क्या नाम है इनका जो मरे हैं। हाँ, श्रीधर सिंह। घटना कारण क्या सर? घटना का कारण कुछ जमीन का विवाद पता चल रहा है। भूमि विवाद। दोषियों का नाम सामने आया है क्या सर? नहीं, अभी तो प्राथमिकी नहीं दी गई है, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इसका खुलासा। घर के पास में सोए थे, फिर भी घर वालों को पता सुबह चली सर? हाँ, घर में रात। लेकिन गोल लगातार न्यूज समाचार बटुए सूर्यपुरा से रिपोर्टर बानी मुकेश कुमार जी। हाय रे जमीन, हाय रे विवाद, 90 बरिश के बूढ़ आदमी के भी ना छोड़ लोग हत्यारा, गोली ठोक दी है लोग, कहानी भइल खत्म, मामला के छानबीन में जुटी गई पुलिस। जमीन विवाद बा कि रुके के नाम नहीं खेले, लगातार घटना दर दुर्घटना हर जगह हो रहा बटुए। ऐसने मामला रोहतास के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवो बहार के राघो डिहरा गांव में सोमवार के राती खा लगभग 10 बजे अपना घर के बहरी सूती रहल एगो 90 बरिश वृद्ध किसान श्रीधर सिंह के अपराधी गोली ठोक के मुआ दिहले। घटना के सूचना मंगर के सुबह पुलिस के लागल, फिर पुलिस घटना स्थल पे पहुंच के मुअल देह के पंचनामा तैयार करके पोस्टमार्टम खातिर सदर अस्पताल सासाराम भेज दिहलस। थानेदार प्रिया कुमारी बतैली कि मुए वाला के परिजन के द्वारा मंगर के सुबह 6 बजे पुलिस के सूचना दिहल गई। सूचना के बाद थाना के अवर थानेदार विजेंद्र कुमार राम आ SI विमलेश कुमार आ पुलिस बल के जवान के साथ घटना स्थल पे पहुँचला के बाद परिजन बतैलन कि खाना खाए के बाद सोमवार के राती खा श्रीधर सिंह अपन घर के सामने सूतत रहन, तब तक रात 10 बजे के करीब गोली चले के आवाज़ मिलल। इनकर नाती अविनाश कुमार घर के बहरी निकल के देखलन तो दादाजी सूतत रहन, उनका लागल कि केहू पड़ाका छोड़त बड़ुए, लेकिन सुबह जब घर के लोग जगावे गईल तो देखल कि श्रीधर सिंह के कपार के पीछे गोली बाजल बा, जेकरा कारण उनकर जान चली गई बा। पुलिस मुअल देह के पोस्टमार्टम खातिर भेजत रहे तो एकर परिजन लाश ले जाए से मना करत, पुलिस के वरीय पदाधिकारी के घटनास्थल पर आवे के मांग करत रहन, जेकरा बाद सूचना मिलते विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शशिभूषण सिंह घटनास्थल पे पहुंच के घटना के जांच कैनी, तब मुए वाला के परिजन मुअल देह के पोस्टमार्टम ले जाए दिहल लोग। ओजे DSP साहब से पूछला पे बतैनी कि गांव के 90 बरिश के वृद्ध किसान श्रीधर सिंह के कुछ लोग गोली ठोक के मुआ दिले बा, हत्या के कारण भूमि विवाद बतावल जा रहल बा, पोस्टमार्टम होखे जा रहल बटुए, पोस्टमार्टम आवे के बाद आगे के कार्रवाई कैल जाए। रउरा सबके बता दी कि भूमि विवाद बिहार में कोढ़ के खाज हो गई बटुए, जेकरा के दुरुस्त जल्दी नइखे कैल जा सकत, काहे से कि ब्लॉक स्तर से सिस्टम इतना खराब हो गई बटुए कि वो ठीक होखे के माही में नइखे। बयान सुनी या शेयर करी। कभी आए, नाम भी हम FIR में देंगे, उनका पहचानते हैं। अच्छा, गोली मार दिए तो हम सोए थे, जगे तो हम देखे कि गोली का आवाज़ सुनाई दिया, हम ही नहीं देखे बाबा को गोली लगा है, देखे कि वो आदमी वहाँ से गए, हम सोचे कि रास्ता है कोई आते जाता रहता है, हम सोचे कि कोई पड़ाका छोड़ा होगा। फिर हमको विश्वास नहीं है तो हम उठ के देखे बाहर, गए लाइट उट जला के देखे, देखे कि बाहर में क्या नाम है इनका जो मरे हैं। हाँ, श्रीधर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? राघोडिया। कौन थाना? सिसपुरा थाना। अच्छा, अभी इलाज के दौरान मौत हो गया है? नहीं नहीं, इलाज नहीं, फ्रंटे में मौत हो गया। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अविनाश टंडन, मैं उनका पोता हूँ। मैं श्रीधर सिंह, 90 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं, अपने घर के बाहर दरवाजे पर सोए हुए थे, उस रात में कुछ लोगों के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। अभी इस संबंध में जांच किया जा रहा है और आगे पोस्टमार्टम वगैरह के होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना कारण क्या सर? घटना का कारण कुछ जमीन का विवाद पता चल रहा है। भूमि विवाद। भूमि विवाद। दोषियों का नाम सामने आया है क्या सर?
नहीं, अभी तो प्राथमिकी नहीं दी गई है, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इसका खुलासा। घर के पास में सोए थे फिर भी घर वालों को पता सुबह चली सर? हाँ, घर में रात में इनको आवाज़ सुनाई पड़ी थी, लेकिन ये सोए अवस्था में देखकर इनको मैंने आभास नहीं हुआ कि इन्हीं को गोली लगी है, तो ये सोचे कि कहीं पटाखा उटाखा छूटा होगा, तो ये ध्यान रात में नहीं दिए। सुबह आए तो देखे कि अपराधियों की संख्या कितनी थी सर? अभी संख्या तो प्राथमिकी के बाद बताई जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर।